नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए दिन लूटपाट, हमला, डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश टेस्ट स्टेशन के अध्यक्ष विजय कुमार, उनके साथ विष्णु कुमार पर देर रात सेक्टर 16 इंदिरा नगर स्थित उन्हीं के ऑफिस में करीब 2 दर्जन लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। सभी हमलावर लाठी डंडों से लैस थे। उनके ऑफिस में पहुंचकर ताबड़तोड़ डंडे से हमला बोला विजय कुमार। जब तक कुछ समझ पाते लोहे के रॉड से उनके सिर पर हमला कर फरार हो गया। हमलावरों के फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आनंद में पुलिस मौके पर पहुंची है, घटना स्थल का जायजा लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। मैं विजय कुमार, उत्तर प्रदेश ट्रेंड कैटर्स एंड डेकोरेटर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये घटना आज हमारे वहाँ अचानक, मैं शाम को 8:30 बजे करीब अपने ऑफिस में बैठा था, अचानक हमारा स्टाफ बाहर खड़ा था, कुछ करीब 15-20 लोग अचानक आ गए और आ करके उन लोगों ने मेरे स्टाफ पे पहले हमला किया। मेरा स्टाफ अंदर भागा तो मैं ऑफिस से निकल के बाहर जब तक दरवाजे तक पहुंचा कि क्या हुआ देखने के लिए, जब शोर होने लगा, जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचा वैसे ही सारे लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, तुरंत मारना शुरू कर दिया और तुरंत मैंने अपना बचाव किया जिसमें मेरी चोट मेरे आ गई। और उसके बाद में उन लोगों ने फिर मैंने अपने दरवाजे को मैंने पूरी तरह से एकदम बंद कर लिया और हम लोगों ने मिलकर जब दरवाजा बंद किया तब हम लोग अपनी जान बचाना है, तो वो सब लोग मारने के ही उससे आए। शामली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर के हनुमान धाम से लेकर पुलवामा में शहीद हुए अमित कोरी की प्रतिमा तक बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में जहां रंग दे बसंती चोलो और देश प्रेमी गीतों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर भारत माता के जयकारे के नारे लगाए। यात्रा के दौरान सदर कोतवाल खुद भारी पुलिस बल के साथ यात्रा में मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर विधायक बहरानी पक्षालिका सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा वहां के शहीद इंद्रजीत और शहीद मुल्तान सिंह के स्मारक पर पहुंची। विधायक ने शहीदों की प्रतिमाओं पर फूलमाला पहनाकर सम्मान दिया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का लोगों को संदेश दिया। भारी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं और ग्रामीण भारत माता के जयकारे भी लगाए। श्रावस्ती में गैस सिलेंडर रिसाव से भीषण आग लग गई। होटल और किराने की दुकान में भीषण आग लगी है। भीषण आग के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आग में जलकर दुकान और होटल का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे गिलौरा थाना प्रभारी ने घटना का जायजा लिया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गिलौरा थाना क्षेत्र के बगना का ये पूरा मामला। हाथरस में घर के बाहर सो रहे 72 वर्षीय वृद्ध के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रालौद के पूर्व जिलाध्यक्ष के चाचा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। हत्या की सूचना पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्कैट मिलकर घटना की जांच में जुटी है। वहीं वृद्ध की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। मृतक के परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गाँव बिदई की पूरी घटना। फतेहपुर जिले में मुहर्रम का जुलूस देखने के दौरान घर का छज्जा अचानक गिर गया, जिससे छज्जे के नीचे खड़ी महिलाएं बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स की उपलब्धता न होने के चलते घायलों के परिजन भड़क गए। मामला बढ़ता देख अस्पताल पहुंचे सीएमओ ने घायलों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम मौके पर बुलाई और घायलों का इलाज कराया। इस घटना के दौरान बच्चे महिलाएं सहित 20 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में एक विवाहिता महिला ने अपने घर में खुदकुशी करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का जांच की जा रही है। फरुखाबाद में दबंग प्रधान का कांवड़ियों पर कहर देखने को मिला। देर रात कांवड़ चढ़ाकर वापस आ रहे कांवड़ियों पर दबंग प्रधान ने हमला बोल दिया। कांवड़िया कांवड़ चढ़ाकर आ रहे थे, गांव में लगे हैंडपंप से कांवड़िया पानी पीने लगे। दबंग प्रधान ने कांवड़ियों को पानी पीने से रोका। कहा सुनने के बाद दबंग प्रधान ने ग्रामीणों को बुलाकर कांवड़ियों के साथ जमकर मारपीट की, जमकर ईंट पत्थर बरसाए हैं। दबंगों की मारपीट से करीब 1 दर्जन कांवड़िया घायल हो गए। थाना अमृतपुर क्षेत्र के राजपुर गाँव का ही पूरा मामला। सिद्धार्थनगर जिले के ग्राम पंचायत बसडीलिया में 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जहीर फारूकी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में बड़े हर्षोल्लास के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा लगाने और गाँव को साफ सुथरा रखने की लोगों से अपील की है। डुमरियागंज विकासखंड के ग्राम पंचायत बसडीलिया ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जहीर फारूकी है।
कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और जिला अध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में मंडल मुख्यालय पौड़ी में भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तिरंगा यात्रा के जरिए हाथों में तिरंगा लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आजादी के वीर शहीदों को याद किया। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस दौरान कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता का मूल्य बताया जा रहा है। कहा कि स्वतंत्रता को लेकर कई वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन भाजपा सरकार में लोगों की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश की गई। वही देश को एकजुट करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। श्रीनगर के बिलकेदार में एक डंपर सड़क किनारे खड़ा था, जो मिट्टी धंसने से सीधे गोत्र में जा गिरा। गनीमत रही कि मौके पर डंपर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। मामले में श्रीनगर कोतवाल हरिओम चौहान ने बताया कि घटना सुबह 9:50 की है, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। थराली विधायक और कर्ण प्रयाग विधायक साथ में मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।